गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बेटा आपको ये तीन टर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर वन कि टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है, सेकंड नॉन टर्मिनेट रिपीटेड टर्म क्या होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग टर्म्स क्या होती हैं। तो पहले हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो देवड़ा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग टर्म के बारे में कि टर्मिनेट टर्म होती क्या है। सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए। देखो कैसे, टर्मिनेट का मीनिंग होता है खत्म हो जाना। अगर हमारे पास दो नंबर है, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे आपके पास लिखा है जैसे 235 और डिवाइड में लिख दिया मैंने 2। ओके, तो इस टर्म को इस 2 से डिवाइड कर दो। 235 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2 1 जा 2, ऊपर से उतारा 3, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1, ऊपर से 5, 2 7 जा 14, डिवाइड में 1, पॉइंट लगा दो 0 लगा दें 0, और 2 5 जा 10 हो गया। देखो पूरा डिवाइड, तो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 170.5। ठीक है ना, यानी डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। क्या आपका आंसर पॉइंटों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन डिवाइड तो पूरा हो गया ना, रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, टर्मिनेट खत्म हो जाना, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना। ओके, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो सपोज करो कि मैंने यहां लिख दिया 31 और डिवाइड में लिख दिया मैंने 5। ओके, मैं 31 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो 5 6 जा 30, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा दो 0, पॉइंट 5 2 जा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितना आंसर आ गया, 6.2। तो हमारे आंसर में क्या आ गया कि जो पॉइंट है वो पूरा, ये क्या है कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, जिससे वो क्या बन गया कि वो टर्मिनेट हो गया। ये भी टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट। बेटा एक चीज और बताता हूँ आपको कि जब डिवाइड करने के बाद अगर जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 लिखा है या 5 लिखा है, या दोनों लिखे या तो 2 या 5, तो वो टर्म हमेशा टर्मिनेट जरूर होगी। याद रखो मैंने क्या कहा, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, या तो 2 लिखा हो या 5, या दोनों ही लिखे हैं, तो वो जो टर्म है वो टर्मिनेट टर्म होगी, ये 100% श्योर है। ओके, टर्मिनेट समझ में आ गया क्या है। नेक्स्ट आ जाओ फिर इसके एक्सरसाइज में, फिर मैं इसके बारे में फिर क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हमारे पास कि नॉन टर्मिनेट रिपीटेड टर्म। इसी के नाम, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना और नॉन टर्मिनेट का मीनिंग क्या है, खत्म ना होना। कि जब मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, खत्म नहीं होता, और जो आंसर में वो क्या आता है, रिपीट, बार बार वही आंसर आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जैसे आपके पास यहाँ लिखा है, देखो 16 डिवाइड में 3, अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो 3 5 जा 15, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 0, यहाँ पे पॉइंट 3 3 जा 9, ठीक है 1, फिर 0 उतार दो, ठीक है 3 3 जा 9, यहाँ पे 1, एक और 0 उतार दो 3 3 जा 9। अब ये देखो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार क्या आता जा रहा है कि इसका आंसर क्या है, 5.33333 करते चले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना, डिवाइड करने के बाद कभी खत्म ना हो। यानी क्या बन गया, नॉन टर्मिनेट, कभी खत्म नहीं हुआ, रिपीट, बार बार वही नंबर आता जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.3 इसके ऊपर ये बार, ठीक है ना, बार बार वही खत्म, नॉन टर्मिनेट खत्म ना होना और बार बार वही आंसर आना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटेड टर्म। और एक ये आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटेड, मतलब
कि डिवाइड करने के बाद ना तो वो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है, रिपीट भी नहीं होता। जैसे कोई भी नंबर था मैंने उसको डिवाइड किया, जैसे 5.6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कभी 2 कभी 8 फिर आ गया, इस तरह से करते जाओ। तब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो क्या उसमें कभी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, कभी कोई नंबर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो नॉन टर्मिनेट ना तो खत्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीट, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखूं 15.01001001, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया 501, ठीक है ना, तो कभी कुछ नंबर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। तो जो सा जो टर्म टर्मिनेट हो जाती है इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रैशनल नंबर, ठीक है। जो सा ये वाली टर्म है इसको भी हम रैशनल बोलते हैं, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रैशनल टर्म होती है, और जो सी ये वाली टर्म आई है इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। मैंने क्या कहा, जो टर्मिनेट हो गया पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो रैशनल है, नॉन टर्मिनेट पर रिपीट तो हो ही रहा है ना, तो इसको भी रैशनल कहेंगे, लेकिन ना तो कभी खत्म होता है ना कभी रिपीट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ओके। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.4, ओपन योर बुक बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कहता आपने इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जो मैं डिवाइड कर रहा था ना अभी वो डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो ये पूछ रहा है कि किन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, और वो ये पूछ रहे क्या ये टर्मिनेट डेसिमल हैं या नहीं ये बता दो, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड हैं ये बता दो, इन दोनों में से कौन सा है, या तो वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है ये बता दो, ठीक है। तो ये बताना है, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, कुछ आप करना, ठीक है। तो एक बार सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट और पढ़ लो एक बार ध्यान से। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational number in question number 1 above which have a terminate decimal expansion, कहता है कि जो टर्म टर्मिनेट हो जाएगी उसे आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करके दिखा दो। देखो बेटा कैसे करना है इसको, देखो बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में इकट्ठे कर रहा हूँ इसके, ठीक है। एक लिखा 13y3125, तो पहले आपने तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा ये बताना है, कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा ये बताना है, या फिर ये बताना है कि या तो टर्मिनेट हो जाए रिपीट, दोनों में से कौन सा बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 लिखा हो या 5 लिखा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है तब तो वो टर्मिनेट होगी, अगर 2 या 5 के अलावा कुछ और है तो नॉन टर्मिनेट रिपीट होगी, ओके। देखो कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में है ना इसके फैक्टर कर लो, 3125 के फैक्टर्स कर लो, कितने पे जाएगा 5 पे, तो 5 6 जा 30 112, 5 2 जा 10 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 5 12, 5 2 10 5 5 25, 5 2 10 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स आ गए यहाँ पे 5। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 13/5। अब देखो इसके अंदर डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ 5, 5 के अलावा तो कुछ नहीं आया ना, ठीक है, डिवाइड नहीं करना तो डायरेक्ट बताना है, डिवाइड में 5 आ रहा है तो यस दिस इज अ टर्मिनेट टर्म, यस दिस इज अ टर्मिनेट टर्मिनेटिंग
रैशनल नंबर। ओके, अब वो क्या कहता है कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब इसको बिना डिवाइड करेगा ना, याद रखें, इसको अगर टर्मिनेट होगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना, ये याद रखें। ठीक है, देखो मैं इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, 13 डिवाइड बाय 5 पावर 5। ठीक है, अब नीचे 5 तो है, नीचे 2 तो नहीं लिखा, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 पावर 5 से डिवाइड कर देता हूं। 5 है तो 2 भी होना चाहिए। ठीक है, जितनी पावर इस पर होगी उतनी ही पावर इस पर लगानी है, 2 की पावर। अगर यहां पावर 3 होती तो 2 पावर 3, अगर यहां पावर 6 होती तो 2 पावर 6 लिखते, उसी से मल्टीप्लाई से जो कट जाएगा तो वापस वही का वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 मल्टीप्लाई, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32 डिवाइड बाय। ठीक है, ये पावर इस पर भी है, पावर इस पर भी है, दोनों की पावर इकट्ठी लगा दो, 5 इंटू 2 पावर में 5, दोनों पर पावर मैंने इकट्ठी, उसको तो मैंने ओपन कर दिया, नीचे पावर इकट्ठी लगा दो। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 13 टू जा 26, बाकी रह गए 2, 13 थ्री 39, 39 और 2 41। ठीक है, और यहां से 5 टू जा 10, और पावर में कितना आ गया 5, 416, 10 की पावर 5, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितनी जीरो आ जाएगी, 5, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइडर में कितना आ गया, 5 जीरो है, ठीक है ना, तो 5 पहले पॉइंट आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, उसने क्या कहा था, पहले तो ये बताओ कि टर्मिनेट है या नहीं, यस इट इज अ टर्मिनेट, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 5 है, इस वजह से टर्मिनेट है। अब उसने कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये सेकंड है वो फर्स्ट। ओके चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करें, 8 के फैक्टर्स कर दें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, तो 2 पावर 3, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है ना, 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, 2 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, 17 डिवाइड बाय 2 पावर 3, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, 5 तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर देता हूं, जितनी पावर इस पर है उतनी ही पावर यहां लगा दो, उतनी ही पावर यहां लगा दो, अगर यहां 4 पावर है तो 4, 3 पावर है तो 3। ओके, 17 मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125। ओके, इन दोनों की पावर इकट्ठी लगा दो, 2 इंटू 5 पावर 3। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 125 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 और 1 8, 5 2 1, 5 12, 10 और 1 11, 2 2 1 2 5, 2 1 2 5, 2 5 जा 10 पावर में 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 2 5, 10 पावर 3, कितनी जीरो आ जाएंगी, 3, तो 3 पहले पॉइंट लगा दो, 2.125, उसे लगा था डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी का ही थर्ड पार्ट करते हैं,
64 डिवाइड बाय 4 5 पर इसको सॉल्व करते हैं। याद रहे इसके फैक्टर नहीं करने, सिर्फ डिनोमिनेटर में फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करना है कि 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, बस ठीक है। 455 के फैक्टर्स करते हैं, 5 पे करो ठीक है। 59 जा 45, 5 वन जा 5, अब 7 पे जा रहा है, 7 वन 7 2 21, 7 3 21, 13 वन जा 13, तो यहां पर क्या बन गया 64 डिवाइड बाय 5 7 13। ओके यहां 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, 5 के अलावा, 5 तो है लेकिन 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 7 और 13 ना होता तो टर्मिनेट, अब ये 7 13 आ रहे हैं ना, तो ये टर्मिनेट रिपीटेड टर्म होगी, तो ये क्या बनेगा यहां पे टर्मिनेटिंग रिपीटेड टर्म, टर्मिनेट रिपीटेड रैशनल नंबर ठीक है, नॉन टर्मिनेट, सॉरी यहां लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो है ठीक है ना, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड रैशनल नंबर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, जो टर्मिनेट होगी सिर्फ उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो नॉन टर्मिनेट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देवड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर पहले आप अगर कट हो रहा है तो पहले आप उसको कट भी कर सकते हैं, याद रखो अगर कट हो रहा है तो उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो 5 3 15 5 3 15 1 5 2 10 0 और तो कट नहीं होता, 3 2 0 ध्यान से देख लेना कि वो कट हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में है इसके फैक्टर कर लो, 320 के फैक्टर्स करें ठीक है, 2 पे 2 1 जा 2 2 6 12 0 2 8 16 0 2 4 जा 8 0 2 2 4 0 यहां से 8 10 ओके 2 5 जा 10 5 1 जा 5 ओके, तो यहां से हमारे पास क्या रह गया 3 डिवाइड में 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स आ गया 6 टाइम और 5 कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम, डिवाइड में क्या आ रहा है या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म। ओके अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देखो 3 डिवाइड बाय 2 पावर 6 5 पावर 1 ओके, अब देखो यहां पे दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 2 भी है 5 भी है दोनों ही है, जितनी पावर इस पर है उतनी ही पावर है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, बड़ी वाली पावर होनी चाहिए, तो 5 पावर कम है तो मैं क्या करता हूं 5 की 5 टाइम्स पावर 5 की 5 पावर दबा देता हूं ओके, ताकि यहां पर ये पावर टोटल 6 बन जाए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ऊपर तो हो गया 3 5 पावर 5 डिवाइड में 2 पावर 6 और यहां से क्या बन जाएगा 5 पावर 6 ओके, अब इन दोनों की पावर इकट्ठी लगा देंगे ठीक है, 3 मल्टीप्लाई पहले 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 into 5 into 5 5 5 25 125 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो 625 आ जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 2 5 2 10 or 2 12 1 5 6 30 or 1 3 1 2 5 तो यहाँ हो जाएगा 3 1 2 5 ओके, इन दोनों की पावर इकट्ठी लगा दो 2 into 5 पावर में 6 ठीक है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 3 2 6 or 1 7 3 1 3 3 3 जा 9 2 5 जा 10 पावर में 6 और यहाँ से 9 3 7 5 ओके, 10 को 6 बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगी, तो कितने पहले पॉइंट लग जाएगा 6 पहले पॉइंट लग जाएगा 9 3 7 5 ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और वो टर्मिनेट टर्म थी ओके। चलो एक पार्ट और कराता हूं, देखो नेक्स्ट 29 बाय 343 343 के फैक्टर्स कर लो,
सेवन पे जाएगा, सेवन फोर ट्वेंटी एट, सिक्स रह जाएगा सेवन नाइन सिक्सटी थ्री, सेवन 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 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वेंटी नाइन बाई सेवन पावर थ्री, ना तो टू आ रहा है ना फाइव आ रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड टर्म, रिपीटेड रैशनल नंबर, ओके। ये क्वेश्चन खत्म, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो किसके अंदर, पहले डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है देखो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव फिफ्टीन, क्या बन गया, टू बाय फाइव, क्लियर है ना तक, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है ना, फाइव के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ओके। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अब डिवाइड में तो फाइव है, टू तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर बन गया फोर, नीचे बन गया टेन, एक पहले पॉइंट लगा दो, सिंपल, भेजा बार आंसर कंप्लीट। तो इस तरह के बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। देखो बुक में दौड़, जैसे हमारे पास ये सिक्स पार्ट है, डिवाइड में देखो टू है, यहाँ पे फाइव है, ठीक है ना, तो ये रेशनल है, ठीक है, और टर्मिनेट भी है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। यहाँ फाइव पावर टू है, एक क्योंकि यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, तो फाइव की पावर वन से मल्टीप्लाई, फाइव पावर वन से डिवाइड, ताकि फाइव पावर थ्री वन से, ये कर लेना। यहाँ पे सेवन आ रहा है देखो, टू भी है, फाइव है, सेवन, तो नॉन टर्मिनेट रिपीट, क्योंकि यहाँ पे सेवन नहीं होना चाहिए, ये मैंने करा दिया, ये दोनों अपने आप करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले पेज पर, देखो डा सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया, वो डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है, नीचे डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तीनों में, इन ईच केस डिसाइड दे आर रैशनल और नॉट। वो ये कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि तीनों क्वेश्चन रैशनल है या नहीं, ये बताओ रैशनल है इरेशनल, ये बता दो। If they rational, अगर वो rational है, अगर rational है तो उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where when you say about the prime factor of q, तो कहते हैं q के बारे में आप क्या कहें, quotient यानी denominator, ठीक है, denominator के बारे में, देखो अगर वो terminate है, terminate term है, तो वो rational होगा, terminate repeat है तो वो rational होगा, ना तो टर्मिनेट है ना ही, देखो मैंने कहा टर्मिनेट है तो वो क्या होगा, रैशनल, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि वो पूरा पूरा लास्ट में जाकर ख़त्म हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसके बाद तो आगे कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये टर्म क्या है, टर्मिनेट टर्म है, टर्मिनेट है, रैशनल है, ठीक है। तो कहते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो डिवाइड में कहता है कि क्या होगा, क्यू में, क्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे टू या फाइव जरूर आएगा, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में टू या फाइव होता है वही टर्म क्या कहलाती है, टर्मिनेट होती है, ओके। इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर से ध्यान से देखो ये रैशनल नहीं है, ना तो टर्मिनेट है ना ही रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पर क्या लिखा, वन टू जीरो, यहाँ क्या वन टू जीरो जीरो, यहाँ रहा है वन टू जीरो जीरो जीरो, यहाँ रहा है वन टू जीरो 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 जीरो, कभी एक जीरो आ रही है, कभी दो, कभी तीन, कभी चार जीरो आ रही है, तो ये ना तो कभी ख़त्म हो रहा है, देखो डैश 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 लगा है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ना ही इसके अंदर कहीं रिपीट हो रही है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल, नॉन टर्मिनेट, नॉट रिपीट, और ये रिपीट है देखो, क्योंकि ऊपर बार लगाया ना, बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, फोर थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव, बार बार वही का वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, रिपीटेड टर्म है, तो इसे आप क्या कहेंगे, रैशनल, सिर्फ ये भी रैशनल है, वो रैशनल है, ये वाला इरैशनल है, ओके। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, और साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ओके, थैंक यू।